हनुमान जन्मोत्सव है और देश भर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। बालाजी हनुमानगढ़ी समेत देश भर के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है और श्रद्धालु हनुमान जी से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो आज देखिए हनुमान जयंती है और इस अवसर पर चाहे बालाजी हो चाहे हनुमानगढ़ी हो, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है इन मंदिरों में और श्रद्धालु सुबह से ही भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज उनकी जयंती है और इस अवसर पर जगह जगह से सुंदर सुंदर तस्वीरें जो हैं आ रही हैं। आप देख सकते हैं बाल स्वरूप में किस तरीके से झूला झूलते हुए भगवान हनुमान को, और इसी के साथ हनुमानगढ़ी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी की हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं यहाँ पहुँचे श्रद्धालु। देखिए अयोध्या से तस्वीरें हैं जहाँ पर सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ा पड़ा है और भक्त किस तरीके से हनुमान की भक्ति में रमे हैं इन तस्वीरों से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचा। और इसी के साथ देखिए चार तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर राजस्थान के दौसा से है जहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पर बाल स्वरूप में आप भगवान हनुमान को देख सकते हैं, किस तरीके से बाल स्वरूप में वो नज़र आ रहे हैं और पालकी में झूला झूलते हुए। ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा से है जहाँ पर भगवान हनुमान को आप बाल स्वरूप में देख सकते हैं। और अगली तस्वीर की अगर मैं बात करूँ तो अयोध्या से अगली तस्वीर है जो कि हनुमानगढ़ी से है। आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुँचे हैं और बड़ा जनसैलाब हनुमानगढ़ी में उमड़ा पड़ा है। अगली तस्वीर विदिशा की अगर मैं बात करूँ, यानी कि मध्य प्रदेश के विदिशा से अगली तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरीके से दादाजी हनुमान मंदिर के बाहर खड़े हैं और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और हनुमान की भक्ति में रमे हुए नज़र आ रहे हैं श्रद्धालु। अगली तस्वीर बांदा से है, यूपी के बांदा से अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग पहुँचे हैं, उनकी आरती उनकी पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। और ये तस्वीर है, ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर हनुमान जयंती को लेकर किस प्रकार का पूरे देश भर में माहौल देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर आपको राजस्थान से दिखाई, दूसरी तस्वीर यूपी से आपको दिखाई, यूपी के अयोध्या से, तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के विदिशा से आपको दिखाई और अगली तस्वीर यूपी के बांधा से आपको दिखाई। तो ये चार तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जहाँ पर इस वक्त हनुमान जयंती के मौके पर पूरे देश भर में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में भगवान हनुमान के मंदिर पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं। और अयोध्या की अगर बात कर ली जाए, देखिए वैसे ही अयोध्या में जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से ही भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, भगवान हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। और ये कहा भी जाता है कि अगर आपको अयोध्या जाना हो तो सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करने बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि आप हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना आप अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते। उन दर्शनों को अधूरा माना जाता है बिना हनुमानगढ़ी पहुँचे। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी केके शुक्ला इस वक्त अयोध्या से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केके शुक्ला, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आज हनुमान जयंती है, पूरे देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई हनुमानगढ़ी की, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी निशा, आप बता दें आज हमारी आवाज बैक आ रही है, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, पीसीआर से कहकर आपकी आवाज भी मैं ठीक करवाती हूँ। केके शुक्ला, अभी आप मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं? केके शुक्ला, देखिए आज वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है हनुमानगढ़ी की कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक अलग उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। जी निशा जी, आपको बता दें हम कि प्रभु रामलला की दर्शन पूजन के बाद में लोग पहले हनुमान जी की पूजा का अर्चना करते हैं। आज यह भव्य नजारा देखने को मिल रहा है कि आज श्री हनुमान जयंती है और छोटी दीपावली के
के रूप में लोग अयोध्यावासी मना रहे हैं, पूरे विश्व के वासी मना रहे हैं। आप राम पद देख लीजिए, भक्ति पद देख लीजिए। पहली बात तो छोटी हनुमानगढ़ी बड़ी हनुमानगढ़ी पे सुबह से ही आज लोग सरजू में स्नान करने के बाद में हनुमानगढ़ी पर अर्चना पूजा कर रहे हैं और बजरंग बली का आशीर्वाद ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज श्री हनुमान जयंती को छोटी दीपावली के रूप में मनाई जा रही है। अयोध्या में यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या हनुमानगढ़ी को भव्य रूप से सजा दिया गया है। यहाँ पर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। सुबह से भंडारा चल रहा है, लोग काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही 5 बजे से सरजू में डुबकी लगा करके और आकर के हनुमानगढ़ी पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद तत्पश्चात रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। कहा जाता है, वेद पुराणों में कहा जाता है कि रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद में पहले लोग जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं वह राम के दर्शन पूजन के बाद में हनुमान जी के आशीर्वाद लेने के बाद तब जाते हैं। लेकिन आज विशेष रूप से श्री हनुमान जयंती का आयोजन किया गया है और पूरे अयोध्या वासियों में काफी उत्साह है। छोटे छोटे मठ मंदिरों में हर पूजन अर्चन हो रहा है और हनुमान जी के भजन कीर्तन हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शाम को झांकी निकाली जाएगी। अयोध्या वासियों में साधु संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार की श्री हनुमान जयंती छोटी दीपावली के रूप में अयोध्या वासी मनाने जा रहे हैं। जी वही के शुक्ला, अगर बात कर ली जाए, देखिए क्या है मान्यता इस हनुमानगढ़ी की, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने हैं तो बिना हनुमानगढ़ी में आप भगवान हनुमान के दर्शन किए बिना आप वहाँ नहीं जा सकते। क्या मान्यता है हनुमानगढ़ी की, ये बताइएगा। इसी के साथ अगर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास की अगर बात कर ली जाए, इस मौके पर क्या संदेश उनकी तरफ से दिया गया है? जी, हम आपको ये भी बता दें कि लगातार या वेद पुराणों में शास्त्रों में यह लिखा है कि प्रभु श्री राम के रक्षक के रूप में हनुमान के रूप में हनुमानगढ़ी जो है या शक्तिपीठ मानी जाती है। या शास्त्रों में लिखा है कि वेद पुराणों में लिखा है कि प्रभु रामलला के दर्शन पूजन करने के पहले अगर कोई श्रद्धालु हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करता है और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के प्रभु राम जी के चरणों में जाता है तो वह फलित तो हो जाता है, वह उनको आशीर्वाद प्राप्त तो हो जाता है और प्रभु राम के जो सेवक हैं और जो उनके साथ साथ लगे रहे हनुमान जी, इस वजह से कहीं ना कहीं वेद पुराणों में जो बात लिखी वो सत्य है कि प्रभु राम लला के दर्शन पूजन के पहले ही हनुमानगढ़ी पर लोग अगर पूजन और दर्शन कर लेते हैं तो जिस कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य पूरा हो जाता है। और कहीं न कहीं यह अयोध्या वासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग यह मानते भी हैं और लोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस समय अयोध्या में लाखों लाखों की संख्या में भीड़ जन सैलाब उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का, कुछ लोग दर्शन पूजन करने के लिए लगातार इतनी कड़कड़ाती धूप में इसके बावजूद में भी आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है कि प्रभु राम लला का दर्शन पूजन हो या हनुमानगढ़ी पे हो। सुबह से ही आज हनुमानगढ़ी पर आज तांता लगा हुआ है। लगातार लोग सरजू के किनारे सरजू में डुबकी लगा के सरजू माँ को अर्घ देने के बाद में हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कर रहे हैं और श्री हनुमान जयंती को आज छोटी दीपावली के रूप में मना रहे हैं। और एक हनुमानगढ़ी या शक्तिपीठ हनुमानगढ़ी है, लोग जो यहाँ पर अर्चना पूजना बंदन कर लेते हैं, जो मनौती मांगते हैं वह पूरा हो जा पूरा भी होता है, यह वेदों और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है। जी केके शुक्ला, वही सवाल आपसे फिर से रहेगा कि महंत राजूदास का क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमेशा उन्हें देखा गया किसी भी मुद्दे में काफ़ी प्रखर रूप से अपनी बात बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी के वो महंत हैं, बड़े पुजारी हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से आज संदेश दिया गया है इस खास मौके पर? जी, आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी द्वारा और दीपक दास जी द्वारा लगातार जो लाखों लाखों संख्या श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। शाम को झांकी निकाली जाएगी, सुबह से कीर्तन भजन चल रहे हैं। उनके द्वारा यही कहा गया है कि प्रभु राम के वह सेवक हैं और सेवक के रूप में काम करते हैं और प्रभु राम की छत्र छाया अयोध्या वासियों पे नहीं पूरे विश्व के वासियों पर है। कहीं पर किसी श्रद्धालु का अयोध्या में अहित नहीं होगा और जो एक बार हनुमानगढ़ी पे आके कोई मनौती मांग लेता है, अयोध्या में आके मनौती मांग लेता है, यह पूरा भी होता है। और विशेष रूप से
हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास द्वारा अपील भी की गई है कि लगातार गर्मी को देखते हुए लगातार जगह जगह पर जहां पर लोगों के लिए श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है और भारी संख्या में जो आज श्री चलिए बहुत शुक्रिया के शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।